आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। गोंडा, लॉकडाउन के दौरान जनपद के सब्जी मंडी की व्यवस्था सुगम बनाने के लिए नगर प्रशासन ने कसी कमर। विभाग ने छोड़ा रतन के कंधे पर मंडी की व्यवस्था, पुलिसिंग रही चुस्त, खुराफाती पड़े सुस्त। देश के लॉकडाउन पार्ट टू को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए स्थानीय प्रशासन कमर कसे तैयार है। शायद इसीलिए नगर प्रशासन ने जनप्रिय अपने कार्य के प्रति कर्मठ और ईमानदार छवि के अधिकारी की तैनाती की है, जो प्रातः 4 बजे से ही नगर के सब्जी मंडी में SSI रतन पांडे अपने कई आरक्षियों के साथ तैनात देखे जा सकते हैं। जहां पूरा भारत लॉकडाउन के दौरान नगर की व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए कमर कसे तैयार है, वही जनपद के सब्जी मंडी से गली मोहल्ले तक ठेले एवं थोक व्यापारियों द्वारा पहुंचाए जाने की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस अधीक्षक के साथ ही नगर प्रशासन ने निर्देश पर कोतवाली नगर के SSI रतन कुमार पांडे ने संभाली है कमान, जो प्रातः काल पहुंचते ही व्यापारियों को सख्त निर्देश देते कि कहीं किसी की दुकान पर ना हो जमावड़ा। सभी थोक व्यापारियों के पास मौजूद हो सैनिटाइजर और मास्क, जिसका खासा असर अब देखने को मिलता है कि सब्जी मंडी में कोई भी व्यापारी बिना मास्क के नहीं दिखाई पड़ता और लोग बड़ी सुगमता से सब्जी की खरीदारी करके रवाना हो जाते हैं। योर रिपोर्ट अतुल श्रीवास्तव, गोंडा। ये सर, आप लोग मंडी में ड्यूटी दे रहे हैं, कितने बजे से ड्यूटी देते हैं यहाँ? मंडी में ड्यूटी हम लोग साले 3 बजे से, 3 बजे रात है, 10-11 बजे तक, जब तक मंडी बंद नहीं हो जाती है तब तक रहते हैं। और प्रयास कहते हैं कि सामाजिक दूरी बना के व्यापार करें और बगैर मास्क अथवा नाक ढके कोई भी व्यापारी अथवा किसान ना आने पावे। तो ये निर्देश आपको सिटी मजिस्ट्रेट या SDM या आपके नगर कोतवाल या SP किसके किसके द्वारा? जनपद के DM साहब और SP महोदय, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय व मंडी समिति के अधिकारियों द्वारा दिया गया है। और फुटकर व्यापारियों को मंडी में आना और व्यापार करना बंद कर दिया गया है। आम पब्लिक के लिए मंडी में आना बंद है, केवल थोक व्यापारी आते हैं और थोक खरीदार भी आते हैं, जो गांव में ले जाकर ठेलिया वगैरह से घर घर सब्जी बेचते हैं। जैसा आपको देख रहे हैं, गांव गांव में घड़ी घड़ी घर घर को सब्जी बेचेगा। एक बहुत विशेष प्रश्न जो मेरे दिमाग में बात आई, मैं देख रहा हूँ कि पूरे मंडी में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं दिख रहा है। अगर मान लीजिए कोई बाहरी बाहर का व्यापारी अगर आया और उसके पास मास्क नहीं है या गिर गया कहीं, क्योंकि दूर से आया है, उसको खरीदारी करनी है मंडी में, तो क्या यहाँ कुछ मास्क उपलब्ध भी है? शुरू में प्रचार प्रसार किया गया कि बिना मास्क गमछे का लोग मंडी में न आवे, जिनके पास किसी कच्चे कारण मास्क नहीं मिल पाता है उनको व्यवस्था संस्थाओं द्वारा या मंडी समिति द्वारा या पुलिस द्वारा उपलब्ध निःशुल्क मास्क करने की व्यवस्था की गई। तो क्या मतलब यहाँ उपलब्ध भी है? उपलब्ध है मास्क, उपलब्ध भी है। तो इस तरह कहते हैं मास्क उपलब्ध कराया जाता है, निःशुल्क जो क्रय नहीं कर सकते हैं उनको निःशुल्क मास्क दिया जाता है। जो होलसेल के व्यापारी है, चूंकि आप यहाँ की देखरेख देख रहे हैं, आप बता रहे हैं कि हम 3 बजे आ जाते हैं, 11 बजे तक जाते हैं, तो जो होलसेल के व्यापारी है क्या वो अपने पास सैनिटाइजर भी रखते हैं? सैनिटाइजर तो नहीं, लेकिन साबुन हाथ धोने की व्यवस्था रखे हैं, साबुन पानी की व्यवस्था रखे हैं। सैनिटाइजर की व्यवस्था मंडी गेट में रखा गया है, मंडी गेट पर रखा गया है। और जो व्यक्ति से बात किया जाता है, आवश्यकता पड़ती है, उसको सैनिटाइजर किया जाता है। और मेरे हर एक प्रत्येक सिपाहियों के पास अपने पास सैनिटाइजर रखा हुआ है, जो समय समय पर उपयोग में करते लेते रहते हैं। ये हमारे साथ थे श्री रतन पांडे जी, जो कि जनपद के सब्जी मंडी में प्रातः 3 बजे से लेकर के 11 बजे तक मुस्तैद रहते हैं। तमाम लोग आने व जाने वाले लोगों पर होती है आपकी पहली नजर, कोई भी व्यक्ति नहीं दिखता बिना मास्क के। मैं अतुल श्रीवास्तव, सब्जी मंडी, गोड़ा।